डेटिंग रिलेशनशिप से जुड़ा एक टर्म इन दिनों खूब चर्चा में बना हुआ है और वो है घोस्टिंग। अगर आप इसे भूत प्रेत जैसा कुछ समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घोस्टिंग टर्म 1990 में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन ऑनलाइन डेटिंग के समय में ये ज्यादा चर्चित हो गई। इसको और आसान भाषा में समझे तो ब्रेकअप में सामने वाला आपको बताकर आपसे नाता तोड़ता है, लेकिन घोस्टिंग में कोई व्यक्ति एक दिन पहले तक अच्छे से बात करता है और फिर एकदम से अपनी जिंदगी से अपने पार्टनर को बाहर कर देता है, बिल्कुल ही कट ऑफ कर देता है। ऐसा करते समय उस इंसान को कोई वार्निंग या फिर किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जाता। जिसे कट ऑफ कर रहे हैं, घोस्ट करने वाला इंसान इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और जो इंसान कट ऑफ होता है वो इस दलदल में फंसता चला जाता है। ओवरऑल घोस्टिंग का मतलब ये होता है कि कोई शख्स अचानक अपने रिश्ते से बिना पार्टनर को बताए निकल जाता है। ऐसे में सामने वाला 100 सवालों के घेरे में रहता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। कस्में वादों के बाद अचानक कोई बात करना तक बंद कर देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे भूत हवा में गायब हो जाता है। इस सिचुएशन को साइकोलॉजी में घोस्टिंग कहते हैं। कुछ तरीकों से आप पता कर सकते हैं कि आप इसके शिकार हो चुके हैं, जैसे जब सामने वाला आपके मैसेज का जवाब तक देना बंद कर दे, आपका कॉल रिसीव करना कम कर दे या बंद कर दे, ना मैसेज करना ना ही मैसेज का जवाब दे, ब्लॉक कर देना या फिर कॉल देखकर भी ना उठाना। और इसके बाद इसका शिकार हो चुके इंसान पर भयंकर साइड इफेक्ट देखते हैं और इन सिचुएशन में ब्रेकअप से ज्यादा एक इंसान को टूटते हुए देखा गया है। कई बार इंसान डिप्रेशन या गलत लत का शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या तक इन परिस्थितियों में देखा गया है, और इसीलिए साइकोलॉजिस्ट घोस्टिंग को ब्रेकअप से ज्यादा खतरनाक मानते हैं। हालांकि ये होना नहीं चाहिए, फिर आप कैसे भी रिश्ते में रहते हो, पर समाज की एक सच्चाई ये भी है। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही रिलेशनशिप को लेकर और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें।